एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ मटर पुलाव एंड तड़का दाल की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मटर पुलाव एंड तड़का दाल। तो मैंने पहले यहाँ पर रख दिया है ये दाल। अब इसमें डाल देते हैं पानी। अब मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी। अब यहाँ पर डाल देंगे नमक। ये मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी कुकर को। अब कुकर को यहाँ डाल देंगे गैस पे। ये मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दाल हो गया है यहाँ। अब हम चलाएंगे चूल्हा। दाल को मैंने बंद कर दिया है। अब इस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। अब यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा रिफाइन। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने से पहले तेल इसलिए थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि घी जले नहीं। तो ये मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया। इसको गर्म होने देते हैं। अब हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे तेजपत्ता। डाला है खड़ा गरम मसाला। इसमें इलायची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, जावित्री है। अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को चला लेते हैं। अब प्याज थोड़ा सा हो गया है, इसमें कटा हुआ गाजर डाल देंगे। गाजर डाल के चला लेंगे। गाजर को थोड़ा सा होने देंगे। गाजर हो गया है, इसमें डाल देंगे हम मटर। मटर डाल के चला देंगे, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। तो अब देख सकते हैं ये सब चीज़ पक गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं जो मैंने चावल धो के रखा था उसको डाल देते हैं। इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मिलाने पर। देख सकते हैं ये पूरा भून चुका है। 2-3 मिनट मैंने भून लिया है। ये भुना गया है अच्छे से। अब इसको हम कुकर में डाल देते हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ कुकर में सब डाल दिया है चावल। और अब इसमें पानी डाल देंगे। चावल जितना हो पानी उससे दुगुना डालेंगे, थोड़ा सा दुगुना से कम डालेंगे क्योंकि पुलाव है। चावल में हम दुगुना डालते हैं, पुलाव में थोड़ा सा कम डालते हैं। तो यहाँ मैंने गैस को कर दिया ऑन और कुकर को इसके चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ गैस को कर दिया है ऑन। मैंने यहाँ गैस को ऑन कर दिया है। इस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई। दाल का तड़का लगाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। अब यहाँ पे तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे जीरा। अब डाल देते हैं प्याज। इसको थोड़ा मिला देंगे। अब देख सकते हैं प्याज हो गया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा अदरक। अब इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा मसाला। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना। ये मसाला अच्छे से भून चुका है। ये अभी हम यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे टमाटर। ये हम लोग ढक के टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। पकने के अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे दाल। इसको हम लोग ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पकने के। देख सकते हैं हमारा लाल हो चुका है। हमारा पुलाव भी बन गया है, बिल्कुल खिले खिले हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।